In this question, we have to find the integration I of sine 2x into cos x dx. अब हम हमें पता है हम sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 into sin x cos x. तो अगर ये चीज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस की तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है वो बाहर लिख सकते हैं हम इनटू sin x into cos x dx. अब यहाँ cos x है तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 into sin x into cos square x dx. Now अगर हम यहाँ पर cos को t पुट कर दे putting cos equals to t तो हमारे पास आ जाएगा minus sin x इसका differentiation dot dx equals to dt. और हम इसको लिख सकते हैं कि sin x dx is equals to minus dt. तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करें t को तो हमारे पास आ जाएगा equals to 2 into sin dx को हम minus dt से रिप्लेस कर सकते हैं और cos को हमने t लिया तो यहाँ t square आएगा minus of t square. अब t square का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा equals to minus 2 t cube by 3 plus c. t को हमने cos x लिया था तो रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा minus of cos cube x यहाँ पर by 3 plus c. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये.